बीइंग ऑल एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। और आज है मेरी मम्मी का जन्मदिन, तो अभी उनको बर्थडे विश करते हैं और आज का ये दिन यहीं से शुरू करते हैं। दिन तो नहीं, रात हो चुकी है एक्चुअली में, इसीलिए पीछे आप फ़ोन पे बात हो रही है इसीलिए सॉरी। सो यहाँ पे मम्मी हो रही है अभी रेडी, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं उनसे मिलता हूँ और बर्थडे विश करता हूँ उनसे। सो ये रहा अपना एक्वेरियम, मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर दिखाया था, मगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उसकी थोड़ी बहुत छोटी सी सेट न्यूज़ है हमारे लिए और आपके लिए भी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो ये रही मम्मी, और मम्मी का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। सो बस इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे और आप भी बर्थडे पे यही विश करेंगे हम लोग विश, और क्या कर सकते हैं। सो अभी चलेंगे बाहर पार्टी करने के लिए। तो केक खिला दिए भी मम्मी को फिर से एक बार। सो यहाँ पे भी वीडियो कॉल पे बात चल रही है मुंबई मेरी बहन से। हेलो हाँ आदमी कोई ना था बिजू के ये प्राचा लगाओ मोड़ा तो सो फाइनली केक कट हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए। हमारा ये रिचुअल्स होता है कि केक कटिंग करना और फिर बाद में डिनर करने के लिए बाहर जाना। सॉरी थोड़ा फंबल हो रहा है, केक की क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कभी। तो पापा के बर्थडे में हम लोगों ने केक नहीं काटा था, तो क्योंकि पापा को पसंद नहीं है। तो इस बार मम्मी को तो चॉकलेट का केक ज़्यादा पसंद है, तो इस बार हम भैया बड़े भैया लेके आए हैं चॉकलेट का केक। तो अभी केक कटिंग हो चुका है और अभी साथ में वीडियो कॉल भी चल रहा है मेरी बहन का, और मामी भी साथ में है। सो वो भी अभी तो चलते फटाफट से बाहर। चुके हैं वापस उसी रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे हम लोग पापा के बर्थडे के दिन आए थे, मगर उस दिन ज़्यादा वेटिंग था। सो होपफुली आज वेटिंग ना हो तो अच्छा है। यहाँ पे ये सब बच्चों के लिए बनाया गया है। ऐसे यानी कि जैसे मैं आप लोगों से बता रहा था कि अभी कि इस होटल की ये खासियत है कि यहाँ पे आपको जो झोपड़ी टाइप जो मिलता है ना, जो व्यू आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, तो पूरा ये आपको सेपरेटली मिल जाता है। तो ये यहाँ की खासियत है, इसलिए पापा और मम्मी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मैं तो पहले भी आ चुका था दो बार पहले, मैं और बड़े भैया हम दोनों तो आ चुके हैं, मगर फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ हम लोग इस रेस्टोरेंट में आ रहे हैं पहली बार। लाइक यू एंजॉय द डिनर विथ योर फैमिली।
separately. That's why we came to here. ये देखिए, जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक प्याज, आप लोग भी करते होगे ऐसा। जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक आप भी ऐसे ही करते होगे, प्याज सिर्फ प्याज खाते रहते होंगे। इतने टूक में पण भैलू जूज करे, मनन जूज करे। सो फाइनली डिनर हो चुका है कंप्लीट, और अभी चलते हैं घर की तरफ। कैसा रहा डिनर? कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मम्मी और साथ में नानी, नानी फर्स्ट टाइम आया साथ में। कैसा रहा डिनर? ये इनकी फरमाइश थी कि आज हमें यहीं पे जाना है। सबसे क्यूटेस्ट एनिमल रैबिट, मुझे बहुत पसंद है। हम लोग आ चुके हैं वापस घर, और अभी हम लोग खाएंगे वो जो केक है, वो मैं थोड़ा मीठा, और साथ में आइसक्रीम भी खा लेंगे केक के साथ। आज मीठे पे मीठा ही खाना है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कल यस्टरडे कि मैं आप लोगों को कुछ एक्वेरियम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सैड न्यूज़ है, हम आपको अभी दिखा देता हूँ। आई थिंक यू ऑल आर नोटिस्ड समथिंग इज मिसिंग। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे इनके साथ और एक मछली मैंने दिखाई थी आपको, वाइट कलर की, जो वाइट उसका रंग सबसे अच्छा था, सबसे डिफरेंट। वाइट, पिंक, ऑरेंज, सब मिक्स, पर्पल, सारे कलर एक ही साथ में उसको दिख रहे थे। सो वो जो मछली थी वो चली गई, वो मर गई, और उसका कारण ये था कि जो छोटी छोटी जो फिश दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की, वो उसे बाइट कर रही थी, कॉन्स्टेंटली बाइट कर रही थी। सुबह जब मैंने देखा तब तक ठीक था, मगर ये मछली एक साथ में होती है तब ये चीज़ें होती रहती है, ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो इससे पहले भी हम लोग जब मछली रखते थे तब उसमें भी यही प्रॉब्लम था, तो वो बाइटिंग कर रहे थे कॉन्स्टेंटली उसको। तो फिर वो अब एक साथ कहते हैं ना, बड़ी चीज़ छोटी चीज़ को खा जाती है, मार देती है। मगर यहाँ पे रिवर्स हुआ, छोटी सी मछलियों ने बड़ी मछली को मार दिया। सो जब मम्मी देख के आई, बोले उसने, हम लोगों ने जब खाना डाला इसको, जब उनका वक्त होता है खाने, तो मम्मी ने कहा वो उसने खाना निकालो, मम्मी रोने लग गई। बिकॉज एक अटैचमेंट हो जाती है ना, तो वो फिर मैं और पापा जाके रात को उसको खड्डा किया, और उसको फिर मिट्टी डाल के, उसके ऊपर मिट्टी डालने का मन नहीं कर रहा था यार, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। इतनी बहुत अच्छी और सबसे डिफरेंट मछली थी, वो हम सबको पसंद थी। बोले आप लोग सोचते हो कि मछली थी यार, उसमें क्या टेंशन लेना, मगर होगी मछली थी वो डेफिनेटली, मगर एक अटैचमेंट हो जाती है ना एक चीज़ से, किसी चीज़ से आपको, जैसे डॉग हो या कैट हो या फिर फिश, एक अटैचमेंट हो जाती है। तो फिर वो अगर चला जाए तो फिर दुख होता है डेफिनेटली। सो अभी नहीं है तो यहाँ पर मैं थोड़ा कम आता हूँ उस मछली घर के पास, बिकॉज वी रिमेंबर कि वो याद रह जाती है हमेशा। ये जो है ऑरेंज वाली फिश, वो सब उसे बाइट कर रहे थे, वो यहाँ इसके पीछे छुप जाए तो भी उसको कॉन्स्टेंटली। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं यहाँ सब, एक बड़े बड़े समुद्र में भी ये चीज़ें होती रहती है।
शार्क, वेल, हम सब लोग जानते ही हैं। देखिए, जैसे फिल्टर बंद होता है ऑक्सीजन, तुरंत ये सब यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि इनको पता है कि इनका खाने का वक्त हो चुका है। अभी खाना डाला नहीं, उससे पहले अभी देखिए एक ही जगह, क्योंकि यहाँ से होता है। देखिए, ये जैसे ढक्कन खुलेगा ऊपर, तुरंत ये सब ऊपर आ जाएगी। अरे देखिए, इनको मालूम पड़ गया कि अभी हमें खाना मिलेगा यहाँ से। सुबह मम्मी इनको भी खाना डालेंगी। ये तुरंत शुरू। सो कल मम्मी का बर्थडे अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो गया था, और उसके बाद फिर हम लोग आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के फिर सो गए। तो मैंने इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। टिल देन, डाड़ा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।